कितने अच्छे थे वो दिन कि जब हम गरीब हुआ करते थे और एक बूढ़ा बाप अपने बच्चों को जब तवानाई बख्श रहा होता था, जब उसको सलाह देता था तो वो कहता था, बेटा जब भी कभी मुश्किल में फंसो तो याद ही कह देना, मुश्किल खत्म हो जाएगी। इतने अच्छे थे वो दिन जब मकान कच्चे होते थे और मोहब्बतें पक्की होती थी। कितने अच्छे थे वो दिन जब मस्जिदें कच्ची होती थी और नमाजें पक्की होती थी। याद आते हैं वो दिन। हम तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मकान अच्छे हो रहे हैं, बिजनेस डेवलप हो रहा है, औलादें बढ़ रही हैं, लेकिन वो पुराने दिन खत्म होते जा रहे हैं। पुराने दिनों में जो लज्जतें थी, पुराने दिनों में जो मजा था, वो मजा जिंदगी का बाकी नहीं है। अब हम एक दूसरे को लालच की नजर से देखते हैं, अब हम एक दूसरे को अगर आगे बढ़ता है तो हसद की नजर से देखते हैं। अब हम ना अली की तरफ जाते हैं, ना अली के घर वालों की तरफ जाते हैं, इसीलिए सारी मुश्किलात में हमें घेरा हुआ है। और हुजूर ने इसीलिए फरमाया था कि मुश्किल में फंसो तो अली को याद कर लेना, मुश्किल खत्म होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा राब्ता और हमारा ताल्लुक मौलाए कायनात से मजबूत फरमाए। आज के मौजू पर हम बात करते हैं शहादत इमाम हुसैन का तारीखी पस मंजर। मौजू जज्बाती मुहैया का नहीं है जिस तरह से और दिनों में रहा है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा गर्म माहौल बनाने के लिए मुनकबत करी, थोड़ा सा संजीदगी से सुनने की जरूरत है। क्यों ऐसा हुआ कि शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुई और रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को अपनी जानों का नजराना करबला में जाकर के लुटाना पड़ा, जानों को नजराना देना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? तो सबसे पहले तो एक बात याद रखने बुनियादी तौर से, दुनिया में जितने भी अंबिया आए, हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा रहमतुल्लाह तक जितने भी अंबिया आए, तमाम अंबिया के साथ ये होता रहा कि वो तब्दील करते थे, अल्लाह की तरफ लोगों को दावत देते, उन्हीं की कौम उनको इस दावत की वजह से कभी पहाड़ों में चिनवा दिया करती थी, कभी उनको दफन कर दिया करती थी, कभी उनको कत्ल कर दिया करती थी, कभी सोशल बाइकॉट करके शहर से बाहर कर दिया करती थी। बहुत ज्यादा अगर लोगों ने कबूल किया तो 100-150-200 लोगों से ज्यादा तादाद नहीं बढ़ी। बहुत कम लोग थे, बहुत कम अंबिया की जिंदगी में ऐसे हालात पेश आए कि बहुत ज्यादा लोगों ने उनको कबूल किया और उनके दीन को माना, उनकी शरीयत को माना, लेकिन फिर भी लोग मानने वाले थे, उतनी ज्यादा तादाद में भले ही ना हो लेकिन मानने वाले जरूर थे। वो नबी जब लोगों को तबलीग करते थे, लोगों को दीन सिखाते थे, अल्लाह की तरफ बुलाते थे तो लोग अमल करते थे, मानते थे, लेकिन जैसे ही उस नबी का विसाल हो गया, जैसे ही नबी का विसाल हो गया तो उनके दीन को, उनकी शरीयत को बदल दिया गया, उनके दीन को और उनकी शरीयत को बदल दिया गया। 100 साल के अंदर अंदर, एक सदी के अंदर अंदर ये लुट चली आ रही थी, ऊपर से लेकर हजरत मूसा का जमाना, नूह का जमाना, हजरत हारून का जमाना, हजरत जकरिया का जमाना, हजरत यहया का जमाना, इब्राहिम का जमाना, ये चला आ रहा है ऊपर से कि जैसे ही नबी का विसाल होता है वैसे ही कुछ ताकतें खड़ी होती हैं उस मजहब के खिलाफ, दीन के खिलाफ, उस नबी की शरीयत के खिलाफ, और उस शरीयत को बदल देती हैं, उस दीन को खत्म कर देती हैं। और उस दीन को और शरीयत को खत्म करना इसलिए आसान हो गया क्योंकि उन नबियों की उम्मतों में कोई बचाने वाला हुसैन नहीं था। पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निजाम अगर 1400 साल से लेकर के अब तक वही सूरत में कायम है तो उसकी वजह यह है कि ताकत एक सदी के अंदर अंदर उठी दीन मोहम्मदी को खत्म करने के लिए, अजान की सदाओं को खत्म करने के लिए, शरीयत को बदलने के लिए, कुरान पाक में तहरीफ करने के लिए आवाज जरूर उठी, ताकत जरूर उठी, सत्ता जरूर उठी, लेकिन मौला हुसैन ने करबला में जान देकर के दीन बचा लिया, शरीयत बचा ली, इसलिए ये बात आपको समझ में आई। अच्छा, दुनिया में सिर्फ करबला ही तो नहीं हुआ, न जाने कितने कितने लोग मरे। अभी हिरोशिमा नागासाकी जो लोग जानते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, वो जानते हैं अब तक ऐसे ऐसे असरात मौजूद हैं कि बच्चे वहां पैदा होते हैं तो किसी का सर बहुत बड़ा है और बाकी का जिस्म का हिस्सा बहुत कमजोर है। जो कुछ हालात वहां पे हुए हैं, कोई अपाहिज पैदा होता है, कोई कहीं से कमजोर होता है, ये हालात हैं, जंगों के हालात हैं। आप स्पेन की तारीख पढ़ लीजिए, स्पेन में भी यही हुआ, मुसलमान अगर कहीं गए तो मुसलमानों ने खून नहीं बहाया लोगों का, ये तारीख फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। मुसलमानों ने जल्दी खून बहाने की पहल नहीं की दूसरों के मुकाबले में, लेकिन जब भी यूरोप के लोग, ईसाई और यहूदी किसी मुस्लिम कंट्री में पहुंचे तो उन्होंने मुसलमानों का
फिलिस्तीन की अगर हम तारीख पढ़ें तो फिलिस्तीन की गलियों में बताते हैं कि खून इतना भर गया था कि लोगों के घुटनों तक खून था, लोगों का इतना खून बहाया गया था कि फिलिस्तीन में और मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द जब लोग जाते थे तो उनके घुटनों के बराबर खून बहता था। आप जरा सोचिए कितना खून बहाया गया था, लेकिन वो तारीख भी किसी को याद नहीं। आप बनू मैया की तारीख पढ़िए, बनू अब्बास की तारीख पढ़िए। जब बनू अब्बास मुसलमानों के जो हुक्मरान है जब वो हुकूमत में आए तो उन्होंने बनू उमैया के हुक्मरानों को जो दफन हो चुके थे उनको जमीन से निकाल करके उनकी लाशों पर दस्तरखान बिछा करके खाना खाया। ये तारीख हिस्ट्री, ऐसा भी हुआ दुनिया में, लेकिन क्या किसी को याद है? नहीं याद है। बहुत सारे हालात हुए दुनिया में लेकिन करबला ही क्यों याद है लोगों को? आज भी जब ये वाकया ये मारे का बयान किया जाता है, इमाम हुसैन जब नाम आता है तो ऐसे लगता है कि शायद ये हादसा कल ही हुआ था। 1400 साल का ये तारीखी गैप ही खत्म हो जाता है, ऐसे लगता है कि शायद हमारे बचपने की मामला है। ऐसा क्यों है? तो उसकी वजह यह है कि जब शहादतें और कुर्बानियां अपने आप को बुलंद करने के लिए, अपने आप की तरक्की देने के लिए या अपनी नामवरी के लिए दी जाती है या हुकूमत हासिल करने के लिए दी जाती है तो उन कुर्बानियों की कोई अहमियत नहीं होती, लोग मर जाते हैं उनको कोई याद नहीं करता। लेकिन जब कोई कुर्बानी सच्चाई के लिए दी जाती है, दीन के लिए दी जाती है, शरीयत के लिए दी जाती है, तो जिसकी शरीयत के लिए दी जाती है वो शरीयत वाला उनकी कुर्बानियों को हमेशा के लिए जिंदा कर देता है। क्योंकि इमाम हुसैन ने अपने ऊपर दस्तार रखवाने के लिए कुर्बानी नहीं दी, इसलिए नहीं दी कि लोग कहें कि देखो इन्होंने कुर्बानी दी। दुनिया में किसी हुकूमत की खातिर हुकूमत के लालच में मौला हुसैन ने कुर्बानी नहीं दी, मौला हुसैन ने कुर्बानी दी ताकि दीन मोहम्मदी को बचाया जा सके। जिस तरह पहले ताकतें उठी, इब्राहिम की शरीयत को बदला, मूसा की शरीयत को बदला, ईसा की शरीयत को बदला, मोहम्मद की शरीयत भी बदलने के लिए लोग उठे। पिछली शरीयत इसलिए बदल दी गई कि कोई हुसैन का था, और हुजूर की शरीयत इसलिए ना बदली जा सकी कि हुसैन मौजूद है। और एक तारीख है यजीद की नस्ल। यजीद जब तख्त पर बैठा तो करबला के मारे गए के 3 साल बाद में उसका वो मर गया, फौत हो गया। उसके बाद जब उसके बेटे मुआविया बिन यजीद को उसी तख्त पर बैठाया गया तो मुआविया बिन यजीद 40 दिन तक उस तख्त पर न बैठ सका। 40 दिन तक उस तख्त पर न बैठ सका। वो बार बार बेचैन होता था, वो बार बार परेशान होता था। करबला का मंजरनामा उसके सामने आता था और वो मजरूह सुल्तानपुरी ने बड़े चार मिसले कहे कि बाद मर गई यजीद, उसके फर्जंद ने तख्त शाही को यह कहकर ठुकरा दिया जिसमें लूटा गया हो अली का कतल मुझको वो बादशाह नहीं चाहिए। और आप देखें कि जो मारने वाला था, जो कातिल था, उसकी नस्ल मुआविया बिन यजीद पर ही खत्म हो गई, और जो कत्ल होने वाले थे, जो शहीद होने वाले थे, हजरत इमाम हुसैन के बाद में इमाम जैनुलाबिदीन ने, इमाम जैनुलाबिदीन के बाद में इमाम मोहम्मद बाकर ने, इमाम बाकर के बाद में इमाम जाफर सादिक ने, इमाम जाफर सादिक के बाद इमाम मूसा काजी ने, फिर इमाम अली रजा ने, फिर इमाम अली तकी ने, फिर इमाम अली नकी ने, फिर इमाम असद अस्करी ने, और दुनिया में जब आखिरी इमाम आएगा तब वो भी इसी नस्ल से इमाम मेहदी होगा। अल्लाह ने शहीद होने वालों की नस्ल में यह बरकत रखी कि अजमेर चले जाए तो उन्हीं का बेटा मौजूद है अली नवाज की शक्ल में, बाग पतन चले जाए तो उन्हीं का बेटा मौजूद है बाबा फरीद की शक्ल में, दिल्ली चले जाए तो निजामुद्दीन उन्हीं का बेटा मौजूद है महबूब इलाही की शक्ल में, किशोर चले जाए तो उन्हीं का बेटा मौजूद है महबूब सिमला की शक्ल में, दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाए इन शहीद होने वालों की औलाद हर जगह आपको मिल जाएगी। और जो कत्ल करने वाले थे, हुकूमत करने वाले वो खत्म हो गए, कहीं पर खत्म हो गए, नस्ल नहीं चल सकी उनकी। क्यों? क्योंकि जब कुर्बानी सच्चाई के लिए दी जाती है, हकीकत को जिंदा रखने के लिए दी जाती है, शरीयत के लिए दी जाती है, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए दी जाती है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कुर्बानी को हमेशा के लिए जिंदा कर देता है। इसीलिए करबला हमेशा जिंदा है। अब वो निजाम क्या है, वो शरीयत क्या है? हम जब शरीयत के अल्फाज सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि शरीयत नमाज रोजा हज ज़कात की बात है। ये है शरीयत जो हमें समझाया गया, जो हमें बचपन से बताया गया कि शरीयत यही है। बाकी स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है वो सब सेकुलर एजुकेशन है, वो सब तालीम है, लेकिन शरीयत
जब बात आएगी दीन की, जब बात आएगी तो नमाज होगा हज ज़कात, इससे ऊपर शरीयत नहीं है। फिर अगर गए तो बकरे की कुर्बानी और फिर ईद उल फित्र की सिवैयां, बस इससे ज्यादा शरीयत नहीं। अगर मुसलमानों ने इस्लाम को समझा होता तो मौला हुसैन की कुर्बानी की अहमियत और मजीद समझ पाते। दुनिया में बादशाहत थी, दुनिया में हुक्मरानी का निजाम था, दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाए कोई हाई कोर्ट कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं था मजलूमों की फरियाद सुनने के लिए, लोगों की आवाज सुनने के लिए, लोगों की दुहाई सुनने के लिए। अगर कोई बादशाह के हुक्मरान कोई बादशाह के वजीर अगर किसी बच्ची का रेप करते हैं तो उस बूढ़े बाप को कहीं भी यह हक हासिल नहीं था कि जाकर के मुकदमा दर्ज करा सके। किसी को यह हक हासिल नहीं था कि वो गुलामी के खिलाफ आवाज उठा सके। अगर कौम गुलामी के खिलाफ आवाज उठाती थी तो बादशाह का हुक्म हो जाता था कि पूरी कौम के बच्चों को मार दो, पूरी कौम के आदमियों को खत्म कर दो और उनकी औरतों को जिंदा रखो ताकि हम इनके साथ अपनी जिनसी हवस बुझा सके। फिरौन का जमाना ऐसा ही, बेटों को कत्ल किया और बच्चियों को जिंदा रखा। कुरान में वाकया मौजूद है, हजरत ईसा की तारीफ भी यही है। इसी तरह से हर हुक्मरान की तारीफ है, अमरूद की तारीफ भी यही और हजरत इब्राहिम सामने। तो दुनिया में ये तमाम चीजें चली आ रही थी कि एक निजाम था बादशाहत का निजाम जहां मजलूमों की कोई फरियाद सुनने वाला नहीं था, जुल्म के खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला नहीं था, जालिम के खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला नहीं था, हक की बोली बोलने वाला नहीं था, कोई सच्चाई की हिमायत में आवाज उठाने वाला नहीं था। अगर किसी के साथ जुल्म होता है तो कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। खुद रसूलुल्लाह जिस जमीन में पैदा हुए सबसे खतरनाक जमीन यही थी और हुजूर को इसी जमीन में क्यों पैदा किया। उस वक्त के तीन बड़े एम्पायर थे, पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर और ग्रीक एम्पायर, तीन बड़ी हुकूमतें थी उस जमाने में। ये तीनों बड़ी हुकूमतें आपस में तो टकरा रही थी लेकिन मक्का की तरफ कोई नहीं आता था। क्यों? क्योंकि मक्का के लोग जाहिली बड़े थे। तो एक तो जाहिल लोग थे, ऊपर से ये जो जमीन थी ये कंकरीली और बंजरीली जमीन थी, तो यहां ना खेती से किसी को कोई फायदा हो सकता था, ना यहां के लोग इस लायक थे कि इन पर हुकूमत की जाती। इसलिए कि तीनों हुकूमतें आपस में लड़ती थी दूसरे इलाकों के लिए, लेकिन मक्का का इलाका कोई नहीं करता था, इस जमीन को कोई कब्जे में नहीं लेता था। इतनी खतरनाक जमीन कि अगर एक बकरी के बच्चे ने किसी के कुएं से पानी पी लिया, उस पानी पीने पर जो जंगे चलती थी तो फिर वह नस्लन बाधा नस्ली चलती थी। बाप कहता था बेटे को कि जब तक तुम मेरी मौत का बदला नहीं लोगे मुझे सुकून नहीं मिलेगा। कबीलों की जंगे थी, कोई सुनवाई करने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई इंसाफ देने वाला नहीं था। जिसका कबीला भाई था वही फतेहयाब हो जाता था, वही हुक्मरान होता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये हाल था दुनिया में। कोई ऐसा निजाम नहीं था कि भैया ये काले हैं ये भी इंसान है और इनको भी अपने अधिकारों की आवाज उठाने की पूरी आजादी है। ऐसा कोई निजाम नहीं था। अगर ये काले हैं तो ये पैदा ही इसलिए हुए हैं कि इनको हमारी गुलामी करना, अगर ये गरीब है तो इनकी मजबूरी है कि इनकी मां ने इनको जना कि ये हमारे पैर दबाने के लिए पैदा हुए। ये निजाम दुनिया में मौजूद था। हम मादार हैं, हमारी किस्मत है, हमारा फख्र है कि हम उस घर में पैदा हुए। दुनिया में ये निजाम चला रहा था। मक्के में भी यही रिवाज था। बिलाल हबशी को गुलाम बनाया हुआ था, हजरत सलमान फारसी को गुलाम बनाया हुआ था, हजरत अम्मार बिन नासिर को गुलाम बनाया हुआ था। कितने गुलाम हैं
एक वो मकाम था कि जब हजरत बिलाल हबशी के इंसान का सबसे ऊपर का हिस्सा माथा होता है, पेशानी होती है। एक वो दिन थे कि जब बिलाल हबशी की कोई पेशानी चूमने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब वो हुजूर की गुलामी में आ गए तो काबा शरीफ की छत है और बिलाल के कदम है और बिलाल अजान पढ़ रहे हैं। आप दोनों निजामों का फर्क आपको समझ में आया कि एक वो निजाम था कि उनको कोई पास में नहीं बिठाता था कि काले हो, वहां के हो, इलाकाई तासुब था, नस्ली तासुब था, रंग की बुनियाद पर तासुब था। अल्लाह के रसूल ने उन सारे डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करके, उन सारे भेदभाव को खत्म करके एक ऐलान किया, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन तकरीम व उन्था, कि ए लोगो तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया गया है, वजअलनाकुम शुउबन व कबाइल लितअअरफू, और तुम में कबीले बनाए गए हैं, जाति भी बनाई। आज देखें आप जिस देश में रहते हैं यहाँ जातिवाद कास्टिज में, और ये कास्टिज कब से लेकर अब तक चला रहा है। आज अगर अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से कोई दलित फायदा उठा करके आईएएस बन भी जाता है, ब्राह्मण अगर उसके ऑफिस में चला गया तो वो इतनी गंदी नजरों से उसको देखता है कि इतनी बड़ी कुर्सी पर पहुंचने के बाद भी उसको यह एहसास रहता है कि यार ये बड़ी जाति से आता है और मैं छोटी जाति से। आप देख रहे हैं ये है एक्चुअल में जो सिचुएशन है वो ये। लेकिन अल्लाह के रसूल ने इस निजाम का खात्मा फरमाया, हजरत बिलाल हबशी को काबे शरीफ की छत पे चढ़ा करके दुनिया को यह मैसेज दिया कि आज से काले और गोरे के फर्क का खात्मा किया जाता है, अब कोई काले और गोरे का फर्क नहीं होगा, क्योंकि बिलाल हबशी की आवाज सबसे अच्छी है, इसलिए अजान कोई और नहीं पड़ेगा, बिलाल हबशी पढ़ेगी। ये एक निजाम पैदा फरमाया, और इस तरह की बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। तो अल्लाह के रसूल ने ऐलान फरमाया कि हमने तुमको, अल्लाह ने फरमाया ना कुरान पाक में हुजूर फरमाते हैं उस ऐलान को, क्या हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, तुमने कबीले बनाए, लितअअरफू ताकि एक दूसरे को पहचान सको, तो हम में कबीले जरूर हो सकते हैं लेकिन जातिवाद हमें नहीं हो सकते। और हुजूर फरमाते हैं कि तुम सब आदम की औलाद हो, तुम सब आदम की औलाद हो, और आदम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिट्टी से पैदा किया, तुम सब आदम की औलाद हो और आदम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिट्टी से पैदा किया है, इसलिए ना कोई अपने आप को ऊंचा समझे ना कोई नीचा समझे। आज के दौर में इसकी अहमियत समझ में नहीं आएगी, लेकिन जिस जमाने में ऊंचे और नीचे का इतना फर्क था कि आदमी गुलामों के साथ बैठने को तैयार नहीं होता था, रसूल अल्लाह से जो बड़े लोग थे ना, जो मक्के के जो सरदार थे, वो हुजूर से इसी यही बात कहा करते थे, यार तुमने अजीब सा निजाम कायम कर दिया, अगर तुम्हारा इस्लाम कबूल कर भी गए तो किस बुनियाद पर करें, तुमने गुलामों को अपने पास बैठा रखा, ये बिलाल हमारे साथ छतरी लेके चलते थे, हम उनसे बात करेंगे मुंह उठा करके, हम इसलिए तुम्हारा इस्लाम कबूल नहीं कर रहे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कबूल करो मत करो, लेकिन मेरा इस्लाम तो यही है, अल्लाह का दीन तो यही है, अल्लाह की शरीयत तो यही है, मैं तुम्हारी वजह से अपने निजाम को नहीं बदल सकता। आप देखें कि ये एक निजाम कायम हो रहा है, दुनिया में इंकलाब आ रहा है, सियासी एतबार से भी, पहले के हालात को भी जहन में रखें और हुजूर के हालात को भी जहन में रखें कि आकल इस्लाम हर सतह पर लोगों को इंकलाब दे रही है, सियासी सतह पर भी इंकलाब आ रहा है, समाजी सतह पर भी इंकलाब आ रहा है, वुमन एम्पावरमेंट भी हो रहा है, लोगों को एजुकेशन के लिए पूरे दरवाजे खोल रखे हैं, क्वालिफिकेशन के लिए, यानी इस्लाम ने हर आदमी को बराबर का राइट दिया, बराबर का हक दिया कि आप किसी भी इलाके से आते हो लेकिन इस्लाम में अगर आपकी अच्छी सलाहियत है तो आपको ऊंट चलाने आते हो या ना आते हो, लेकिन अगर आप हुकूमत कर सकते हैं तो इस्लाम में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप हुक्मरान बन जाए। और हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला जो हुक्मरान बने, जब हाकिम बने, तो वो लोगों से कहते हैं कि यार मैं जब जवान था मेरा बाप मुझे मारता था कि मुझसे ऊंट लाइन में खड़े करने नहीं आते थे, लेकिन देखो रहमत आलम की सोहबत की बरकत से यमन और शाम और मक्का और तमाम अरब के हुक्मरान मेरे लिए लाइन तक खड़े रहते हैं। आप देख रहे हैं ये तब्दीली, और ये भी हजरत सलमान फारसी, जब लोगों ने इनके खानदान को ताना दिया, आज भी ताने दिए जाते हैं ना, किसी का घर मिसाल के तौर पर किसी को अडॉप्ट कर लिया गया और जब वही बच्चा बड़ा होता है दुश्मनी होती है तो कोई बहुत ही बजार आदमी को ताना देता है, तुम्हें कचरे से उठा के लेके आए थे, हॉस्पिटल से लेके आए, तुम उनकी औलाद थोड़ी। हजरत सलमान फारसी को किसी ने ताना दे दिया, किसी ने हजरत सलमान फारसी को यह ताना दे दिया कि तुम्हारा तो कोई खानदान ही नहीं है, तुम्हारा तो कोई घर ही नहीं है, तुम्हारी तो कोई फैमिली नहीं है। हजरत सलमान फारसी के दिल को यह बात लग गई, रोने लगे हजरत सलमान फारसी, हुजूर की बारगाह में गए कि या रसूलल्लाह मुझे ताना दिया है लोगों ने, हुजूर ने
होता जिसके ऊपर कोई साया नहीं होता, रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मैं उसके लिए साया हूँ, जिसका कोई घर नहीं है मेरा घर उसके लिए खुला है। अब सलमान फारसी की किस्मत पे सब नाज कर रहे हैं कि यार क्या किस्मत पाई है, अपना खानदान भी है लेकिन हुजूर ने ये कहा कि मेरे घर वालों में से। अब जरा सोचिए, दुनिया से लेकर के कयामत तक और आखिरत तक उनके मर्तबे इतने बुलंद हो गए कि जन्नत भी उनकी हो गई। जब हुजूर ने ये फरमा दिया तो वो जज्बाती जुमला तो नहीं था ना, अकल इस्लाम का जुमला है, मालिक जन्नत का जुमला है, कासिम जन्नत का जुमला है। जब हुजूर ने ये बात ऐलान फरमा दी तो मक्का में और मदीने में भी वो हुजूर के घर वाले हो गए, जन्नत में भी हुजूर के घर वाले हो गए। तो ये एक निजाम कायम हो रहा है दुनिया में ताकि लोग समझ सके कि वो पहले जो बादशाह आपका जमाना था आपको खत्म हुआ, अब अगर किसी कमजोर पर जुल्म किया जाएगा तो रसूलुल्लाह की बात मौजूद है इंसाफ देने के लिए, अब अगर किसी की बेटी पर ज्यादती की जाएगी तो हुजूर की बात मौजूद है जस्टिस देने के लिए, अब अगर किसी पर अन्याय किया जाएगा तो आकर सलाम की मुकद्दस बात मौजूद है न्याय देने के लिए। एक निजाम कायम करवाए और हुजूर ने दुनिया का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन दिया, सबसे पहला संविधान। अंबेडकर ने, मार्क्स ने, जितने भी दुनिया में स्कॉलर्स हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशंस को जिसने लिखा है, उन तमाम लोगों ने आप अलैहिस्सलाम के दिए हुए संविधान से फैज हासिल किया। आपने तो बेशक कह दिया, समझ करके देखिए, मैं पूछ लूंगा सवाल कर लूँ कि आप कैसे बेशक कह रहे हैं तो फिर जवाब नहीं होगा। अफसोस इस बात का है कि गैर मुस्लिम हुजूर की बारगाह से फैज हासिल कर रहे हैं और हम मुसलमान होकर के समझते हैं कि दीन बस ये है नमाज रोजा हज ज़कात, संविधान की अगर आप बात करने लगे तो सवाल खड़ा हो जाता है ये सियासत की बात नहीं होती। ये हमारी थर्ड क्लास सोच है, यही थर्ड क्लास सोच है, इसी सोच की वजह से आज भी जरीन हो रहे हैं। अकल इस्लाम के दिए हुए फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन गिवन बाय हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया का पहला संविधान था जो हुजूर ने दिया। और फिर एक निजाम कायम फरमाया, ऐसा निजाम कि जिस निजाम में हुकूमत मुस्तफा की है लेकिन आकलम फरमाते हैं कि नजरान के ईसाई हूं या यहूदी हूं, मदीना में रहने वाले मजूसी हूं या यहूदी हूं या नसरानी हूं, जो हमारे मुआहदे पर साइन कर चुके हैं अब इस्लामी हुकूमत उनकी इबादत करेगी, ना उनके इबादत खानों को डिमोलिश किया जाएगा, ना उनके इबादत खानों को खत्म किया जाएगा, उनको पूरी आजादी है राइट टू रिलीजन की, कि उनको अपने मजहब पर रहने का हक है, मजहब की तबलीग का हक है, मजहब की तमाम रसूमात को अदा करने का हक है, अब तमाम लोगों की हिफाजत मक्के की आर्मी करेगी, मदीने की आर्मी करेगी, इस्लामी फौज करेगी, अब किसी पर जुल्म नहीं होगा। अब अगर कोई यहूदी है तो वो भी अपने मजहब पर रह सकता है, पहले तो ऐसा था ना कि बादशाह जिस मजहब का होता था वो जबरन लोगों से कहता था कि हमारा मजहब कबूल करो, लेकिन अल्लाह के रसूल ने एक निजाम कायम फरमाया जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का, वह अमरुहुम शूरा बैनहुम, शूरा ए निजाम कायम फरमाया। अब सबको अपने मामला हुजूर की बारगाह में रखने का हक है, पहले बादशाह के सामने कोई बोल नहीं सकता, अब मामला यह हो गया है कि जनाब अमीर उम्मीन हजरत उमर फारूक मिंबर पर खड़े, मिंबर पर खड़े हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला, और एक शख्स पूछता है खुतबा दे रहे जुमा का, सबसे बेहतर दिन, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम जुमा, सैयदुल अय्याम, और सैयदुल अय्याम में सबसे अहम वक्त खुतबा दे रहे अमीरुल मोमिनीन, और वो अमीरुल मोमिनीन के जिनसे शैतान भी रास्ता काट लेता है। मदीने का एक आम आदमी खड़े होकर के पूछता है खुतबा बाद में दीजिएगा, पहले ये बताइए ये जो कपड़ा पहने थे ये कहां से आया। आपको पता है संविधान की जबान में इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, मालूमात हासिल करने का हक हमें भी है। पूछ के देख लीजिए कहां से आया ये सूट जिसकी 10 लाख की नीलामी हुई है, बात समझ रहे कहां से आया है। आप पूछ रहे अगर सामने जाके तो किसी की हिम्मत नहीं होगी, गोरी लंकेश ने कुछ सवाल कर लिए तो देख लीजिए हंस के क्या होगा। अकलम ने एक निजाम दुनिया में कायम फरमाया कि जनाब अमीरुल मोमिनीन खुतबा दे रहे हैं और एक शख्स खड़े होकर के पूछता पहले ये बताओ कि ये कुर्ता कहां से आया। एक आम आदमी में पॉलिटिकल अवेयरनेस, सियासी बेदारी इस कदर है कि कहीं से यमन से कुछ कपड़े आए थे कि आप मदीने के लोगों में तकसीम कर दें, तो जब उस कपड़े को तकसीम किया गया तो उस कपड़े में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि एक आदमी का जिब्बा बन पाता, एक आदमी का जिब्बा बन पाता, तो उसने सोचा यार यही कपड़ा तो मुझ तक भी पहुंचा है, मेरा जिब्बा नहीं बन सका तो मेरे प्राइम मिनिस्टर का जिब्बा कैसे बन गया। आप देख रहे हैं
हुजूर ने ये सियासी बेदारी कर रखी थी कि नहीं, अब वो निजाम बादशाह का खत्म हो गया कि सवाल करोगे तो गर्दन काट दी जाएगी, जबान खींच ली जाएगी। अब ऐसा सुलाई निजाम है कि अगर बादशाह कुछ गलत कर रहा हो, जमहूरियत में आप पूछ सकते हैं, दिस इज द राइट इंफॉर्मेशन। अकल इस्लाम ने पहला तस्वुर दिया किया और पूछा, इंजॉय करो साथी उन सहाबी ने उसको पूछा, और फिर हजरत उमर की आर्मी ने उनके प्रोटोकॉल ने ये नहीं कहा देखो कितना बदबख शख्स है, उन्होंने भी ये नहीं कहा कि नमाज तो हो जाने दो, खुतबे के बाद पूछ लेना, कमरे में आकर पूछ लेना, ऐसा कुछ नहीं कहा। हजरत उमर फारूक आदम जवाब देने के लिए तैयार होते हैं, बेटे उनके खड़े होते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, अब वो कहते हैं अगर इजाजत हो तो मैं जवाब दे दूं, कहा कि बिल्कुल इजाजत नहीं। कहा तो वो मामला ये था, सवाल इसलिए पैदा हुआ क्योंकि एक कपड़े में इतनी गुंजाइश नहीं थी, तो सवाल इसलिए पैदा हुआ है कि एक कपड़े में जब गुंजाइश नहीं है तो उमर का डिब्बा कैसे बन गया। तो दरअसल मानना यह है कि मेरा कपड़ा और बाबा का कपड़ा जब दोनों को मिलाया है तो बाबा का ये जिब्बा तैयार हुआ। अब इसके बाद हजरत उमर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है नबी की उम्मत में ऐसे लोग मौजूद हैं कि अगर उमर अपने ओहदे पर रहते हुए गलत रास्ते पर भी जाना चाहे तो उम्मत गलत रास्ते पर नहीं जाती। ये होती है स्टेट, ये होती है रियासत, ये होती है कंट्री, और ऐसा होता है हुक्मरान। इसी वजह से जनाबे उमर को अमेरिका में भी याद किया जाता है, गांधी जी भी याद करते हैं, इसी वजह से जनाबे उमर को जो पढ़ लेता है वो सलाम करता है। और ये अकल इस्लाम की बागा से लिया हुआ फैजान था, उमर का अपना कुछ नहीं था, हुजूर की सोहबत की बरकत थी। तो ऐसा निजाम कायम फरमाया कि दुनिया में करप्शन का खात्मा हो गया, भुखमरी का खात्मा हो गया, दुनिया से बेरोजगारी का खात्मा हो गया। रिवायतों में मिलता है कि दुनिया में हजरत उमर फारूक आजम के जमाने में ज़कात के निजाम को इतना डेवलप कर दिया गया था कि उस निजाम के जरिए बहुत जल्द गुरबा की गुरबत खत्म कर दी गई। और फिर हजरत उमर ऐलान फरमाते हैं कि अब मदीने में कोई गरीब नहीं बचा, मदीने के अतराफ में कोई गरीब नहीं बचा, इसलिए यमन और शाम के लोगों अब ज़कात अपनी वहीं पर इकट्ठी करो और वहीं गरीबों में तकसीम कर दो। तो यमन और शाम की तमाम ज़कात मदीने में आ गई, रेवेन्यू टैक्स। यमन और शाम के गवर्नर ने फिर से ज़कात को इकट्ठा करके मदीने में भेज दिया। हजरत उमर ने यमन और शाम के गवर्नरों को बुला लिया, कहा आपने मेरा हुक्मनामा नहीं सुना, मैंने कहा था कि ज़कात नहीं भेजो। हजरत अमीरुल मोमिनीन से वो दोनों गवर्नर हाथ जोड़ करके अर्ज करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन क्या करें, पूरे यमन और शाम में कोई ऐसा शख्स मुसलमान ही नहीं बचा है कि जिसको हम ज़कात दें। बात समझे, आज तो हर घर पर आपकी औरतें खड़ी, हर मस्जिद के बाहर साहब खड़ी होती है, क्या हालत है आपकी, क्योंकि आप सुनना ही नहीं चाहते ना, आप सुनना ही नहीं चाहते, नमाज रोजा बस यही सुनना चाहते हैं और सारे मसाइल का हल भी जानना चाहते हैं, सारे मसाइल का हल। ये इस्लाम है, ये हजरत उमर की तारीख है टैक्स वसूल करके। और मैं दिल्ली सरकार में अपना ऑब्जर्वेशन आपको बताता हूँ, आम आदमी पार्टी ने रेवेन्यू से दिल्ली का टैक्स वसूल करके एजुकेशन को इतना डेवलप कर दिया है कि आज उसकी चर्चा पैरिस में भी हो रही है और अमेरिका में भी हो रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एजुकेशन का लेवल इतना हाई कर दिया है कि तमाम एमपी और एमएलएस के बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं जा रहे, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जा रहे, विपक्ष के भी जो लोग हैं ये आज करके दिखाया है लोगों ने। तो हजरत उमर ने ये काम जो आज हो रहा है एक स्टेट के अंदर, उन्होंने दुनिया के तकरीबन 44 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करके दुनिया को बताया था कि अगर ज़कात का सही निजाम कायम हो जाए तो दुनिया से गुरबत का खात्मा किया जा सकता है। समझे आप बात को, मदीने से यमन जाने वाली एक औरत अगर अपने सर पर सोने की गठरी रखकर के ले जा रही है तो कोई चोर डाकू नहीं मिलता था, क्यों, बेरोजगारी नहीं थी। दुनिया चोरों को तो सजा दे रही है लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं कर रही कि चोरी क्यों कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट बढ़ा देंगे तो किसी को क्या फायदा होता है चोरी करने, उसको पता है कि मुझे सजा मिलने वाली, पब्लिक भी मानती है, पुलिस भी मानती है, तो क्यों कोई चोरी करेगा अगर एम्प्लॉयमेंट आप बढ़ा देंगे। ये हजरत उमर ने करके दिखाया, बेरोजगारी का खात्मा किया, भुखमरी का खात्मा किया, करप्शन का खात्मा किया, और एक ऐसी आइडिया हुक्मरानी दुनिया में पैदा करके गए अकल इस्लाम के हजरत उमर ने उसको आगे बढ़ाया। एक उसके अलावा कोई नमूना दुनिया में आपको किसी भी हुकूमत का नहीं मिलेगा। अब जरा सोचें कि यजीद का जब जमाना आया, यजीद के जमाने में उसने
बैतुलमाल को उसने जब पब्लिक प्रॉपर्टी थी उसने अपने लिए उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जितना भी सारा मामला सुनाई था, जो डेमोक्रेसी थी, जो जमहूरियत थी, उसने तमाम डेमोक्रेटिक सिस्टम को डिस्ट्रॉय करके रख दिया, उसने पूरे जमहूरी निजाम को खत्म करके रख दिया। अब ऐसे हालात में कि जब तमाम लोगों को अपनी बात कहने का हक हासिल हो, राइट टू एक्सप्रेशन हो, राइट टू रिलीजन हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, जब ये सारे मामला अल्लाह के रसूल ने दुनिया में कायम फरमा दिए थे, फिर से एक ताकत खड़ी हो रही थी इसके खिलाफ कि अब कोई राइट टू रिलीजन नहीं होगा, जैसा मैं कहूंगा वैसा मानना होगा, अब ना कोई मीडिया को आजादी होगी अपने बात कहेगी, जो मैं कहूंगा वही कहना होगा, अब किसी को भी आजादी नहीं होगी कि वो प्रोटेस्ट करे, इंतजार करे, जो मैं कहूंगा वही करना होगा। अब ऐसे हालात में कि जब यजीद ने फिर से बादशाह फिरौन का वो जमाना शुरू कर दिया है, तो मौला हुसैन खड़े हुए उस दीन को बचाने के लिए, उस शरीयत को बचाने के लिए, उस जमहूरियत को बचाने के लिए, और इसीलिए इमाम हुसैन ने न सिर्फ शरीयत को बचाया, न दीन को बचाया, बल्कि इंसानियत का तहफ्फुज़ किया। आज अगर दुनिया में जमहूरियत की बात हो रही है, आज अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री में जी रहे हैं, तो कसम खुदा की मौला हुसैन की कुर्बानी का सदका है। इसीलिए जोहरदानी ने कहा था, इंसान को बेदार तो वो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे ने हुसैन। बात समझे कि अगर औरतें पढ़ेंगी हुसैन को तो समझ में आएगा कि नबी के इन शहजादों ने, नबी की शहजादी हजरत जैनब ने कर्बला पहुंच करके औरतों को हौसला दिया है। हजरत जैनब ने हौसला दिया है, हजरत उम्मे कुलसूम ने हौसला दिया, हजरत सकीना ने हौसला दिया, हजरत शहरबानो ने हौसला दिया। अब जब कभी भी वुमन एम्पावरमेंट की बात होगी तो कर्बला की ये शहजादियां याद आएंगी। अब कभी भी ह्यूमन राइट्स की बात होगी तो कर्बला की ये शहजादे याद आएंगे। अगर कभी भी बच्चों की कुर्बानियों की बात होगी तो शहजादा अली असगर याद आएगा। अगर जवानों की कुर्बानी की बात होगी तो लोग अली अकबर को सलाम करेंगे, हजरत कासिम बिन हसन को सलाम करेंगे। इसलिए ये कुर्बानी दी गई और इसलिए कर्बला, इसको जिंदा रखना, लोगों तक पहुंचाना, लोगों को समझाना जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौफीक अता फरमाए, जो कुछ कहा सुना गया उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। जहाँ कहीं मुसलमान परेशान है, कर्बला वालों के सबके परेशान दूर करना है। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून, वसलामुन अल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाह।